नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है। मैं हूं मनु राव। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। भाजपा और भाई साहब पर अशोभनीय टिप्पणी, नहीं सहेगा युवा मोर्चा। शहर जिलाध्यक्ष ने कहा, खत्म हुई सहनशीलता। परिणतिया की जमानत के लिए थाने पहुंचा माली सवाल। गोर्धन विलास के व्यापारियों ने किए बाजार बंद, कहा सजा नहीं मिली तो होगा उग्र आंदोलन। रात 10 बजे बाद ही बाजार बंद कराने पहुंची सूरजपोल पुलिस का व्यापारियों ने किया विरोध। एक बार फिर खेवनार बने जन नेता पारस सिंघवी। और देर से ही सही, आखिर जाग गई निगम। लगातार दूसरे दिन की कार्रवाई में बिग बाजार किया स्पीच। अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं बाजियों के सब्र के खत्म होने की। सोशल मीडिया पर की गई छींटाकशी जब सर के ऊपर निकल जाए तो कोई क्या करेगा, यह सोचने वाली बात है। गत विधानसभा चुनाव से पहले नमो विचार मंच के प्रदेशाध्यक्ष प्रवीण रतलिया ने कई बार सीधे सीधे भाजपा के कद्दावर नेता और शहर विधायक गुलाबचंद कटारिया को आड़े हाथों लेते हुए खूब खरी खोटी बातें लिखी थी। इतना ही नहीं, रतलिया ने कटारिया को हार्ट अटैक से मरने तक की बात कह दी थी। हर बार भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी शांत बैठे रहे, लेकिन इस बार पारा सर से ऊपर चला गया। सोशल मीडिया पर दो दिन पूर्व फिर से बहस छिड़ी और मामला फिर उग्र हो गया। रतलिया के समर्थक ने कटारिया के खिलाफ अभद्रता करते हुए गुलाब जामुन तक लिख दिया, तो किसी बाजीमो के कार्यकर्ता ने मंच के प्रदेशाध्यक्ष को रतालू लिख दिया। ऐसे में युवा मोर्चा के शहर जिला अध्यक्ष गजेंद्र भंडारी का कहना था कि युवा मोर्चा मेवाड़ के जन नेता कटारिया जी पर की गई अशोभनीय भाषा को कभी सहन नहीं करेगा। रतलिया लोगों को जाति धर्म में बांटने का काम करके शहर में विद्वेष में फैला रहा है, जिसका जवाब शुक्रवार को उसे सेक्टर 14 की जनता ने दे दिया है। जो कि कुछ विगत माहौल से हिंदू समाज में जातियों को बांटने का काम कर रहा है, और उसकी जो भाषा है जो आप सभी लोग सुनते होंगे, उससे कहते ही नहीं लगता है कि वो एक समाज सेवा कर रहा है। जिस प्रकार से वह पूर्व गृह मंत्री शहर विधायक जिसको जनता ने चुना है गुलाबचंद जी कटारिया साहब को, उनके ऊपर जिस प्रकार की अशोभनीय टिप्पणियां करता है, उससे उसका बैकग्राउंड का भी पता चलता है। और ये युवा मोर्चा कभी सहन नहीं करेगा, क्योंकि हमारे वरिष्ठ नेता है और हमारे नेता के खिलाफ कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करे, ये युवा मोर्चा का कभी एक भी कार्यकर्ता सही नहीं करेगा। जिस प्रकार से वो उदयपुर शहर में अराजकता का माहौल फैला रहा है और बार बार युवाओं को भड़का रहा है, जातियों को बांटने का काम कर रहा है, बार बार वो कहता मैं हिंदू, मैं हिंदू, हम तो जन्म से पैदा हुए तब से हिंदू, तब तक अंतिम सांस लेंगे तब तक हम हिंदू ही रहेंगे। एक दो सालों से यह विधानसभा के चुनाव से पूर्व भी इसने अपने समाज को बदलकर वोट मांगने का प्रयास किया था, जिसके अंदर भी ये सफल नहीं हो पाया। कल भी इसने हमला करने की कोशिश करी थी, ये खुद ही अपने पर हमले करवाता है ताकि जनता से सहानुभूति ले सके। लेकिन उदयपुर शहर की जनता काफी समझदार है, जिसका उदाहरण कल सेक्टर 14 की जनता ने इसको पीट कर दिया, इसके लिए मैं पूरी जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। शहर के सेक्टर 14 के व्यापार संघ ने शनिवार को बाजार बंद कर नमो विचार मंच के प्रदेशाध्यक्ष प्रवीण रतलिया और उसके समर्थकों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही व्यापार संघ के पदाधिकारियों ने रतलिया और उसके साथी आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की अपील पुलिस प्रशासन से की है। व्यापारियों का आरोप था कि सेक्टर 14 का इलाका सबसे शांत माना जाता है, और शुक्रवार को प्रवीण रतलिया ने अपने समर्थकों के साथ पूर्व पार्षद और व्यापार संघ के सदस्य भंवर सिंह देवड़ा के ऑफिस में आकर तोड़फोड़ की और माहौल को खराब करने का किया। करीब 3 गाड़ियों में यह बदमाश आए थे। अगर बदमाशों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई नहीं की गई तो अनिश्चित काल तक गोर्धन विलास के बाजार बंद किए जाएंगे। हमारे सेक्टर में 14 में कल व्यापारी एरिया, शांत एरिया, यहाँ से व्यापार धंधा कर रहे हैं। बाहर से तत्व गुंडे यहाँ आके कोई प्रवीण रतलिया का ग्रुप आके हमारे एसोसिएशन का मेंबर श्री प्रवीण सिंह देवड़ा के ऑफिस में तोड़फोड़ करके अशांति फैलाई, गुंडागिर्दी करने, मारपीट करके 3 गाड़ी में गुंडे से भर के आए और हमारे एसोसिएशन के मेंबर को हाथापाई करने और मारामारी करने को आए। इसलिए पूरा व्यापारी एसोसिएशन को रोष है, ऐसे हमारे एसोसिएशन के व्यापारी को कोई हाथ डालेगा तो ये रोष है, जनता हमारा व्यापारी का आक्रोश है। अगर आप इसके लिए उसके विरुद्ध पूरी कार्रवाई नहीं करेंगे तो हमारा व्यापार एसोसिएशन आज से 2 घंटा फिर अनिश्चित काल हम व्यापार एसोसिएशन यहाँ का मार्केट बंद करेगा और आपके ऊपर पूरा
जोर अधिकार से उसको कार्रवाई करके तुरंत उनको अरेस्ट और उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। हमारे एसोसिएशन के मेंबर भी उसने हाथ डाला, यही हमारी मांग। क्या मांग है आज का? हमारी यही मांग है उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करे। हमारे एसोसिएशन मेंबर को हाथ डाला उसने, तुरंत मांग करके उसको पूरी धारा के अंदर उसको अंतर्गत बंद किया। पर्यटकों की नगरी उदयपुर में वैसे तो प्रशासन की ओर से 11 बजे तक बाजार खोलने की अनुमति दे रखी है, लेकिन शुक्रवार 10 बजे अचानक पुलिस का जाप्ता शहर के मुख्य बापू बाजार पर पहुंचा और व्यापारियों से बदसलूकी करते हुए दुकान बंद करने को कहा। आपको बता दें कि बापू बाजार में व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों को पूर्व में ही प्रशासन द्वारा दुकान को बंद करने का समय 11 बजे का तय कर रखा था, लेकिन बावजूद इसके दुकानदारों को 10 बजे ही दुकान बंद करने के लिए किया गया। इतने में शहर के जिम्मेदार जनसेवक पारस सिंह भी अपने पौत्र को घुमाने के बहाने इस इलाके से निकले और सारा माजरा समझकर पुलिसकर्मियों से अपील की कि पर्यटन सिटी में तो कम से कम 11 बजे तक दुकानें खुली रखने दी जानी चाहिए। यही कोई ठेला व्यवसाय नहीं है, लाखों रुपए की दुकान खरीद कर अपना व्यवसाय करते हैं। लेकिन पुलिसकर्मियों ने एसपी के निर्देश का हवाला दिया तो पारस सिंह भी ने ऐसी कई दुकानें गिना दी जो रात को 12 बजे से 1 बजे तक खुली रहती है। इसमें पुलिसकर्मी कोई जवाब नहीं दे पाए, लेकिन इन सब के बीच एक बार फिर पारस सिंह ने जिम्मेदार जनसेवक की भूमिका निभाते हुए व्यापारियों की पैरवी करते हुए पुलिस प्रशासन से दुकान 11 बजे तक खुली रखने देने की पैरवी की है। 11 बजे वैसे ही ऑलरेडी मार्केट बंद हो जाता है इधर। 11 बजे नहीं, सुनो आपका टाइम मिले 12 बजे तक नहीं, वो देखो वो सारा सामान जो 12 बजे तक कर रहा है उनको करो क्या, ले जाओ पकड़ के हमारे इधर से। हमारे कोई ऑब्लिगेशन थोड़ी कर रहे आदमी को, 11 बजे बंद कर देते, ऑलरेडी लाइटें बंद हो जाती है भाई, कहने का तुम्हें नहीं है तो फिर पापा ठीक बाद में दूसरी कार्रवाई करेंगे। वो तो नहीं अब बाहर बैठे भी कह रहे हैं जाओ बेल्ट वाला पूरा अरे मैं ग्यारह बजे बाद बैठू नहीं घर कहीं जाओ छोड़ो बाकी 11 बजे तक नहीं भी चाहे आप भी मानना चाह रही अरे 11 बजे अगर आदमी को मैं बोला 1 मिनट तक खोल दो भाई बार लाइट बंद करेंगे क्यों अभी लाइट बंद करा के मैं आगे गया हूँ वहाँ पे चला दी वो देख लो खबर दोपहर में अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ और खबरों पर। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली, जग छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घड़ी आएगी, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। महावीर कॉम्प्लेक्स UIT कन्वर्टेड प्लॉट्स एवं मकान, 6 लेन हाईवे के पास प्लान, 180 एवं 40 फीट चौड़ी रोड, कलड़वास औद्योगिक क्षेत्र के पास, रेलवे स्टेशन 5 मिनट, डी माउंट लिटरल स्कूल 2 मिनट, गीतांजलि हॉस्पिटल 3 मिनट, तिदरी चौराहा 3 मिनट, टेक्नो इंजीनियरिंग कॉलेज 2 मिनट, हिरन मगरी सेक्टर 4 से 5 मिनट। आज ही बुक करें UIT कन्वर्टेड प्लॉट एवं शानदार आकर्षक सर्व सुविधा युक्त अपना घर। UIT प्लॉट 11,11,000 रुपए में, UIT मकान 24 लाख रुपए में। प्रधानमंत्री आवास योजना, छूट एवं बैंक लोन सस्ती दर पर उपलब्ध, DLC से ज्यादा रजिस्ट्री उपलब्ध। बस रहा है नया हिरन मगरी, वो भी आबादी के नजदीक, जल्दी बुकिंग करें। प्लॉट मात्र 51,000 रुपए में एवं मकान 1 लाख रुपए में। साइट पता महावीर कॉम्प्लेक्स, तितेरी फांडा 100 फीट रोड, 6 लेन हाईवे के पास, उदयपुर। डेवलपर्स हरमन रियल एस्टेट सर्विस एंड चहर इन्फिनिटी बिल्ड कॉन डेवलपर्स, एड्रेस 813 फर्स्ट फ्लोर हिरन मगरी मेन रोड सेक्टर 4 उदयपुर, मोबाइल नंबर 9828489646 और 9828072472। Thank you.
100% job placements and guaranteed global exposure. International exposure of paid internship in Thailand, Malaysia, Mauritius, Singapore and Canada. It's the first institute of Udaipur which provides international hospitality courses and is affiliated to Pathum Thani University of Thailand. So join Udaipur Institute of Hotel Management. राजस्थान में निजी क्षेत्र का रियायती दरों पर विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने वाला एकमात्र हॉस्पिटल पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। उपलब्ध सुविधाएं मस्तिष्क एवं स्पाइन रोग, हृदय रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, डायलिसिस, मेडिसिन एवं अस्थि रोगों की उच्च स्तरीय बेहतर चिकित्सा सुविधा। साथ ही गूंगे एवं बहरे बच्चों को सुनने और बोलने में सक्षम बनाने के लिए कॉकलियर इम्प्लांट की सुविधा। क्योंकि हम देते हैं बेटर हेल्थ केयर। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, भीलो का बेदला, पिंडवाड़ा हाईवे, उदयपुर। कॉल 0294-392-0000। श्री ज्ञानोदय क्लासेस 9th, 10th, 11th, 12th क्लास में किसी भी बोर्ड जैसे कि RBSE, CBSE में फेल हो गए हैं तो घबराएं नहीं, क्योंकि ज्ञानोदय क्लासेस दे रहा है आपको 9th, 10th, 11th को पास करने का मौका, वो भी उसी वर्ष में, वो भी NIOS बोर्ड के द्वारा। NIOS बोर्ड एक एजुकेशनल बोर्ड है जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कोरिंग। ये इंडिया का 3rd नेशनल बोर्ड है। आप इस बोर्ड के द्वारा अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं तथा उसी वर्ष NIOS बोर्ड के माध्यम से अपनी परीक्षा पास कर सकते हैं और अपने साल को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। साथ ही क्लासेस द्वारा NIOS बोर्ड ओपन बोर्ड के बारे में निःशुल्क मार्गदर्शन अनुभवी काउंसलरों द्वारा दिया जाता है और बताया जाता है कि किस प्रकार छोड़ चुके विद्यार्थी भी 10वीं 12वीं पास कर सकते हैं व 8वीं पास सीधे 10वीं व 10वीं पास सीधे 12वीं उत्तीर्ण कर सकते हैं। हिंदी व अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन, निःशुल्क किताबें, अनुभवी अध्यापक और अध्यापिकाएं, RO वाटर, AC क्लासरूम, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, CCTV कैमरा। डिजिटल राजस्थान की ओर एक सशक्त कदम, ISCIT कोर्स। एड्रेस श्री ज्ञानोदय क्लासेस, VIP कॉलोनी चौराहा, नियर कम्युनिटी हॉल, सवीना, सेक्टर 9। कॉल इट 7877555202 और 7877255202। लैंडलाइन नंबर 0294-248-5202। वेबसाइट www.shriGyanoday.com। एक बार फिर से स्वागत है आपका खबर दोपहर में। नवविचार मंच के प्रदेशाध्यक्ष प्रवीण रतलिया की जमानत की मांग को लेकर माली समाज के लोग और रतलिया के परिजन शनिवार को भोपालपुरा थाने पहुंचे। समाजजनों और पुलिस के बीच वार्ता के बाद दोपहर उपरांत रतलिया सहित सभी आरोपियों को ADM सिटी के यहां पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि नवविचार मंच और भाजयुमो के पदाधिकारियों के बीच सोशल मीडिया पर हुई छींटाकशी के बाद बात तोड़फोड़ और मारपीट तक जा पहुंची। इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से मामला दर्ज करवाया गया। इस बीच रतलिया ने SP कार्यालय के बाहर हंगामा किया। SP के व्यस्त होने पर नहीं मिलने से वह कलेक्ट्रेट परिसर में ही समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गया। पुलिस ने समझा इसका प्रयास किया तो वह अड़ गया, जिस पर पुलिस ने बाद में रतलिया सहित 3 जनों को जीप में डालकर भोपालपुरा थाने ले गई, जहां तीनों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उदयपुर शहर में सड़क पर दौड़ती एक कार अचानक आग का गोला बन गई। दरअसल सुंदरवास इलाके में शुक्रवार रात एक चलती कार में आग लग गई। गनीमत तो यह रही कि कार में सवार 4 लोग आग लगते ही कार से बाहर निकलने में सफल रहे। देखते ही देखते आग ने पूरी कार को अपनी आगोश में ले लिया और जलकर खाक हो गई। सूचना मिलने पर दमकल मौके पर पहुंची और आग को काबू किया। देर रात सड़क पर जलती कार को देख लोगों की खासी भीड़ जमा हो गई। इन दिनों सोई हुई निगम जाग गई है, ऐसा प्रतीत हो रहा है।
चलो देर आए पर दुरुस्त आए। जी हां, उदयपुर नगर निगम ने लगातार दूसरे दिन फायर सेफ्टी नहीं होने से एक और मॉल को सीज करके बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। शहर के सुखाड़िया सर्कल स्थित बिग बाजार को शनिवार अल सुबह नगर निगम की फायर शाखा ने 3 महीनों के लिए सीज कर दिया है। आपको बता दें कि बिग बाजार में अग्निशमन यंत्र पूरी तरह से खराब हो गए थे, जिसके बाद निगम द्वारा 3 बार पूर्व में भी नोटिस जारी किए गए थे, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद शनिवार को निगम ने बिग बाजार को सीज कर दिया। इससे पहले निगम द्वारा शहर के विशाल मेगा मार्ट पर भी सीज की कार्रवाई की गई थी। शहर में बिना फायर एनओसी के संचालित की जा रही व्यावसायिक बिल्डिंग के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रही। आज सुबह ही निगम की फायर शाखा की टीम मौके पर पहुंची और बिल्डिंग को सीज कर दिया। बता दें कि नगर निगम की फायर शाखा द्वारा अब तक शहर के 282 संस्थानों को अग्निशमन सुरक्षा यंत्र लगाने के लिए नोटिस जारी किया गया है और जिन संस्थानों ने अब तक इस पर काम नहीं किया है उनके खिलाफ अब निगम ने सीज की कार्रवाई शुरू कर दी है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। भाजपा और भाई साहब पर अशोभनीय टिप्पणी नहीं सहेगा युवा मोर्चा, शहर जिलाध्यक्ष ने कहा खत्म हुई सहनशीलता। पवन रतिया की जमानत के लिए थाने पहुंचा माली सवाल, गोर्धन विलास के व्यापारियों ने किए बाजार बंद, कहा सजा नहीं मिली तो होगा उग्र आंदोलन। रात 10 बजे बाद ही बाजार बंद कराने पहुंची सूरजपोल पुलिस का व्यापारियों ने किया विरोध, एक बार फिर खेवनहार बने जन नेता पारस सिंघवी। और देर से ही सही आखिर जाग गई निगम, लगातार दूसरे दिन की कार्रवाई में बिग बाजार किया सीज। खबर दोपहर के इस बुलेटिन में अभी इतना ही, शहर भर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए मनु राव को और देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।